नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन कुमार आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी अग्निवीर का वैकेंसी स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलअप का डेट भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आने के बाद अभी कुछ दिन बाद उसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट, मैसेज और कॉल आ रहा है कि हमारे पास ग्राउंड का सुविधा नहीं है तो क्या हम लोग रोड पर स्पीड वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एकदम ग्राउंड का सुविधा नहीं है, 200 मीटर या 300 मीटर का भी ग्राउंड नहीं है, तो आप रोड पर स्पीड वर्कआउट कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्पीड वर्कआउट में फुल इंटेंट लगाकर या फुल इंटेंट से स्पीड वर्कआउट रोड पर नहीं करना है। बातों को समझिए, जैसे अगर आपका बॉडी का पूरा 100% पावर है तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपको 70-80% पावर रोड पर लगाना होगा, उसी हिसाब से आपको कंटिन्यू स्पीड वर्कआउट करना है। और अभी से स्पीड वर्कआउट स्टार्ट ना करें, अभी कंटिन्यू स्पीड और एंड्योरेंस और स्टेमिना पर एक महीना कम से कम काम करें इस मंथ। इसके बाद वाला जो मंथ आएगा अगस्त, उसमें आप स्पीड वर्कआउट टोटल प्रॉपर हिसाब से कंप्लीट करेंगे स्पीड वर्कआउट। अभी इस मंथ कम से कम 20 से 25 दिन आपको लगभग स्पीड, एंड्योरेंस और स्टेमिना पर काम करें। उसके बाद जब आपका बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करने लगेगा, उसके बाद आप स्पीड पर काम करेंगे। अभी अचानक से अगर आप स्पीड वर्कआउट पर काम करते हैं या स्पीड वर्कआउट करते हैं एक्सेस, तो आपको किसी तरह का भी परमानेंट इंजरी हो सकता है। बहुत सारा इंजरी आपको स्पीड वर्कआउट से भी मिलेगा अगर कंटिन्यू अब से लेकर भर्ती तक आप स्पीड वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इस तरह से दिक्कत होता है तो आपको किसी न किसी तरह का कोई परमानेंट इंजरी होता है तो आपको आगे चलकर बहुत नुकसान देह होगा, आपका भर्ती भी क्लियर नहीं होगा किसी तरह से भी। आपका कोई भी इंजरी होता है तो आपका रनिंग भी क्लियर नहीं होगा अगर आप वो दर्द या किसी तरह का भी कोई इंजरी लेकर बैठ जाते हैं तो आपका। इसीलिए अगर एक लाइन में कहा जाए तो डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंट, मतलब पूरा पावर के साथ मत कीजिए, अपने हिसाब से और अपने इंटेलिजेंट से अपने शरीर को वर्कआउट कराइए उसी हिसाब से। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।